पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच फारूक मजहर, डीपीओ गुजरात रोमैल अकरम का इंटेलिजेंस ब्यूरो तबादला। राव सरदार अली को आईबी से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अम्बरीन रजा का सोशल वेलफेयर तबादला। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जमील अहमद को एंटी करप्शन सर्कल लगा दिया गया। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल और इंतजामिया का बड़ा फैसला। अस्पताल का आउटडोर सुबह 8 तक रात 8 बजे तक खुला रहेगा। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिक्स की तीनों शिफ्टें बहाल। अस्पताल में वन विंडो सेल भी शुरू करने का ऐलान। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मथर नियाज राणा की जेर सदारत इजलास। सोरेस रिपोर्ट पर शुरू की जाने वाली इंक्वायरियों का सख्त नोटिस। अफसरान पर इजहार बरहमी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इंदराज मुकदमा पर महकमों को एफआईआर की कॉपी फराहम करने की हिदायत। इंस्पेक्टर्स के तबादलों के बाद एसएचओ लगाने का मामला। लाहौर से दीगर अजला जाने वाले 170 इंस्पेक्टर्स वापस आ गए। शहर के थानों में इंस्पेक्टर्स को ही एसएचओ लगाने का फैसला। डीआईजी ऑपरेशन दो रोज में इंटरव्यू करेंगे। और न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर ग्रांट ब्रेडबर्न पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच मुकर्रर। ब्रेडबर्न एशिया कप में जिम्मेदारियां संभालेंगे। ग्रांट ब्रेडबर्न न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के कोच भी रह चुके हैं।